वाई तो क्लियर कर लिया कि क्यों करना है यूट्यूब। अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो पहले ये दो वीडियो देख लेना। ये तीसरा वीडियो है, उसमें पार्ट वन और आज का जो वीडियो है वो पार्ट टू। हमने प्लेलिस्ट शुरू किया कि यूट्यूब मास्टरी जीरो से लेकर 100 तक के प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा। और लास्ट वीडियो भी 2 घंटे पहले ही अपलोड हुआ। तो ये पहला वीडियो था जो कि वाई चूज यूट्यूब, या तो क्लियर योर वाई कि क्यों करना है यूट्यूब, ये पहले क्लियर करना होगा। बाकी सब जगह आपको यूट्यूब के कोर्स में सब चीजें मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल बनाना, एसईओ करना, वीडियो डालना, थंबनेल डालना, ये सब चीजें मिल जाएगी। बट ए चैनल पर जो भी चीजें आएगी वो स्क्रिप्टेड नहीं रहेगी। मेरे दिमाग में मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू जो आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं टीचिंग करवाता भी हूँ क्लासेस के अंदर, और खुद क्लाइंट्स के लिए भी काम करता हूँ। खुद के यूट्यूब चैनल भी है, दूसरी एक चैनल भी है, 7-8 चैनल और भी है। सबका एक्सपीरियंस इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट की तरह ये चीजें बनाई है कि 0 से लेकर 100 तक YouTube में सब सिखाने वाला हूँ। बेसिक सी चीजें जो भी है, चैनल बनाना वो भी सिखाऊंगा। बट आगे जाके चैनल बना तो सब लेते हैं बट होता नहीं है मेंटेन। तो पहले सब चीजें क्लियर करेंगे 7-8 वीडियो के अंदर कि यहाँ पर करना क्या है। कि पहला वीडियो में मैंने बताया था कि वाई क्लियर करो, वो वीडियो देख लेना अगर आपको यूट्यूब करना है तो। और ये दूसरा पार्ट है, क्लियर हो गया है वाई, उसके बाद सोच रहा हूँ कि मेरा क्लियर हो गया वाई मतलब कि मैं क्या करूंगा, या तो कुकिंग चैनल बनाऊंगा, या तो मेरी पर्सनल फेस वाली व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगा, टीचिंग चैनल बनाऊंगा, कोई भी टॉपिक ले लिया। तो पहली बात आएगी कि चैनल क्या रखूंगा, चैनल का नाम क्या रखूंगा, उसमें भी सोचेंगे वीडियो कैसे बनाएंगे, फेस वाले बनाऊंगा, बिना फेस वाले बनाऊंगा, बिना फेस वाले वीडियोस में भी स्क्रिप्टेड होते या तो टाइपिंग वाले टेक्स्ट वाले होते, एनिमेशन वाले होते, या तो रॉन्ग वीडियो, कोई ना कोई रॉ वीडियो चलता रहता है, पीछे से वॉइस ओवर होता है। इतनी सब चीजें क्लियर करनी है। और वाई, फिर से वाई कि आपको यूट्यूब करना है, पहले भी बताया था वो वीडियो में, अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब में आ रहे हो तो मत करना। तो दूसरी चीज, मैं आपको एक रैंडम वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो मैंने देखा था यूट्यूब पर, जैदुल मोंडल करके एक चैनल है, देखो 3,54,000 सब्सक्राइबर है। ये बीच में आने वाला था बट पहले बता देता हूँ कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि यूट्यूब करना है तो आपने यूट्यूब पर, कहीं पर भी यूट्यूब पर जाओगे ना, सर्च करोगे ना कि मेरे को यूट्यूब करना है, ऐसा सर्च करोगे ना तो सब ढगले वाले में वीडियो मिल जाएंगे। YouTube SEO, 10 दिन में आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 फॉलोअर्स खत्म कर लो, 4000 घंटे खत्म कर लो, ये चीज हो जाएगी, 1 महीने में YouTube से कमाने लगोगे, वो करने लगोगे। वो वीडियो देखने के बाद आप अगर 6 महीने 1 साल उसको देते हो तो भी वो चीज नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ व्यू लाने के लिए आपको वो वीडियो बेच रहे इन द सेंस कि उसका व्यू आ गया, उसका पैसा बन गया, आपका जो भी हो चलेगा। इस चैनल पर मेरा इंटेंशन है कि आपका टाइम ना बिगड़े। आप यूट्यूब करने जा रहे हो उससे पहले क्लियर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये चैनल जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल है कि एक वीडियो में देखोगे 216 मिलियन व्यूज। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 216 मिलियन आप गिन लेना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेरी चैनल पर, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, देखते हैं तब क्या था। जैसे कि 11 महीने पहले उस पर वीडियो बनाया था, 195 मिलियन व्यूज थे 11 महीने पहले। और अभी देखोगे 11 महीने के अंदर कि 216 मतलब 21 मिलियन व्यूज बढ़ गए। 195 टू 216, 21 मिलियन मतलब 2 करोड़ व्यूज एक वीडियो से। 2 करोड़ व्यूज सिर्फ 11 महीने में एक वीडियो से। वो भी वीडियो में आप देखो, ना ही कहीं पे चैनल पर बैनर लगाया हुआ है, ना ही लोगो लगाया है, ना ही टाइटल है, ना ही थंबनेल है। और वीडियो भी प्ले करके दिखा देता हूं, वीडियो में भी कुछ ऐसा एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं। देखो आप, वीडियो में सिर्फ नमाज पढ़ रहे वो चीज पीछे बज रही है, उसमें ना ही कुछ डिस्क्रिप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये वीडियो चल गया। तो अगर बाय डिफॉल्ट भी चल गया ऐसा वीडियो है तो लोग सब्सक्राइब क्यों कर लेते हैं? और इससे पैसे भी आ रहे होंगे, अच्छे खासे आ रहे होंगे, अगर कॉपीराइट नहीं है तो। वो चीजें हमको नहीं पता चलेगी, वो उस बंदे को ही पता है।
तो कोई बोलता है कि SEO करोगे तो ही व्यूज आएंगे, या तो इसका थंबनेल अच्छा बनाओगे तो ही व्यूज आएंगे, टाइटल अच्छा करोगे तो ही व्यूज आएंगे। ऐसा कोई चीज यहाँ पर नहीं है, एक ही चीज है, आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो ही व्यूज आएंगे। यूट्यूब के एल्गोरिथम के ऊपर है कि एल्गोरिथम में यूट्यूब का सिर्फ नॉर्मल सा सेंस समझ लो कि ये यूट्यूब है। यूट्यूब है तो यूट्यूब का क्या होता है, यूट्यूब को आपसे क्या चाहिए कि यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, मतलब YouTube.com पर या तो एप्लीकेशन पर आप ज्यादा से ज्यादा रुको, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा इसको स्क्रॉल करो। उससे क्या होता है, यहाँ पर इंटरनेट आएगा और वो खर्च होगा, उसकी एडवर्टाइज आएगी, वो कमाएगा। तो YouTube का इंटेंशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम तक रुके। तो अगर आप कैसे भी वीडियो, कोई भी वीडियो बना रहे हो बट कुछ हेल्पफुल नहीं है आपके लिए या तो और किसी के लिए, तो यूट्यूब पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी कितना भी SEO कर ले, सिंपल सी चीज है, आप बहुत अच्छी थंबनेल बना दिया बट थंबनेल के बाद में क्लिक करके अंदर आया, वो वीडियो में ऐसा कुछ दम ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा देखूंगा या तो निकल जाऊंगा। आप खुद बताओ, फिर सोचना कि मैं यूट्यूब क्यों बना रहा हूं, फिर से आया भाई, मैंने यूट्यूब चैनल बनाई है, क्यों बनाई है, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए या तो कुछ और, जैसे कि मेरे को मेरी ब्रांडिंग करनी है, एग्जाम्पल कि मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, मेरी डेली रूटीन लाइफ बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है सबको, इंडिया में व्लॉगर कौन है, हेलो दोस्तों मैं जाग गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस व्लॉगिंग यही होता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इतना खर्च कर रहा हूँ, ये चीज़ें लिया है, वो लिया है, सबको उसमें इंटरेस्ट है। आज के टाइम पर अपने घर के अंदर क्या चल रहा है किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बाजू वाले के घर में लड़ाई हो रही है वो सबको देखना है, बाजू वाली लड़की भाग गई, सास बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहा है, सबको वहीं पे इंटरेस्ट है और लोगों को और लोग वही बताते हैं, जैसे कि व्लॉगर होते वो वही दिखाते हैं। बट व्लॉगर की लाइफ जो आपको कैमरे में दिख रही है वो सब चीजें सही नहीं होती, वो भी स्क्रिप्टेड ही होती है, वो पहले से स्क्रिप्टेड ही होती है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा ऑडियंस को, मैं ऐसा दिखाऊंगी, और हम क्या सोच रहे हैं कि वो रियल लाइफ के अंदर सब कुछ दिखा रहे, ये चीजें नहीं होती है। तो अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप्स, सब कुछ तो सोच लिया कि मैं क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, अब चैनल बनानी है तो क्या चीजें चाहिए। चैनल भी फ्री में बन सकती है और यहाँ पे वीडियोस भी फ्री में आएंगे। आपको अगर YouTube करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीमेल आईडी चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए। जीमेल आईडी के थ्रू चैनल बना सकते हो और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा थंबनेल अपलोड करने के लिए। तो आपको अगर आगे कुछ जानना है तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएगा, और कमेंट करना, उस पर रिप्लाई भी करूंगा। कोई भी चीजों में दिक्कत आ रही है कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करना, यहां पर रिप्लाई करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।